सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबर की शुरुआत करते हैं इस वेले की वड्डी खबर के नाल। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर आजम खान को अदालत ने एक होर मामले में सजा सुनाई है। इस बार उस डूंगरपुर केस में 7 साल की कैद से 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साबका सीओ सिटी आले हसन खान, साबका नगर पालिका प्रधान अजहर खान ते बरेली के ठेकेदार बरकत अली 5 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने इन्हां तिन्हां ते 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लाया। आजम खान हुण तक 5 मामले च दोषी ठहराया जा चुके हैं। उसनों 5 महीने पहला उसके पुत अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म सर्टिफिकेट केस में भी 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले च वह सीतापुर जेल में बंद है। उन्होंने पत्नी साबका संसद मैंबर ताजीन फातमा ते बेटे साबका विधायक अब्दुल्ला आजम नूं पहला ही 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। कलकत्ता के गार्डन रीच इलाके च एक उसारी दिन 5 मंजिला इमारत डिगण नाल 7 लोगों की मौत हो गई है ते 10 जख्मी हुए हैं। मृतकों की गिनती लगातार बढ़ रही है। मृतक के जख्मी उसारी दिन इमारत के आले दुआले झोंपड़िया च रहने वाले लोग ने जिन्हों से मलबा डिग गया। हादसे वाली थां ते बचाव मुहिम जारी है। 5 लोगों के इमारत के मलबे च दबे होने का शक है। कलकत्ता के मेयर फिरहाद हकीम ने दसिया कि इमारत गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही थी। इमारत के प्रमोटर मुहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे वाली थां तो घट्ट घट 10 लोगों को बचाया गया। जख्मी नजदीकी हस्पताल च भर्ती करवाया गया। स्थानक लोगों मुताबिक इमारत के डिगण तो पहला कंक्रीट के टुकड़े डिगे सन। इमारत के डिगण से एक तेज आवाज आई तो पूरे इलाके च धूड़ का गुब्बारा छा गया। संघनी आबादी वाले इस इलाके च इमारत का मलबा आले दुआले झुग्गियां डिगया। उसारी दिन इमारत च कोई रहिंदा नहीं सी। सूबे के फायर ते एमरजेंसी मंत्री सुरजीत बोस ने कहा कि बचाव मुहिम जंगी पद्धर से जारी ने। मलबे च दबे लोगों नूं जल्द ही बाहर कढ़ लिया जाएगा। अगलिया लोकसभा चोणां च शक्ति खिलाफ लड़ाई दे राहुल गांधी दे बयान ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिखा वार कीता। उन्होंने शक्ति च आम लोगों की डूंगी आस्था जाहिर करते हुए राहुल दे बयान नूं चुनावी मुद्दा बनाउण दा भी साफ संकेत दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हर मां बेटी शक्ति का स्वरूप है ते इस शक्ति की रक्षा लई उह जान ला देणगे। लोकसभा चोणां नूं शक्ति के विनाशक ते शक्ति के उपासक विचाले दसदे उन्होंने कहा कि 4 जून नूं स्पष्ट होएगा कि कौन शक्ति का विनाश करने वाला ते किस नूं शक्ति का आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस चुनौती नूं स्वीकार करदा ते मैं शक्ति स्वरूप नावा पैणा दी राखी लई जान दी बाजी लावांगा ते जीवन भी ला देवांगा। कल शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान हो रहा है। जब मैंने सुना तो मैं सोच रहा था बाड़ा साहब बाड़ा साहब ठाकरे जी उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। शिवाजी पार्क में शक्ति का विनाश करने का ऐलान किया जाए, वो भी शिवाजी पार्क में, और उस भूमि पर जहां का बच्चा बच्चा जन्म से जय भवानी जय शिवाजी का मंत्र लेकर के बड़ा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज तुर्जा भवानी से आशीर्वाद लेकर के हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए निकल पड़े थे। वे शक्ति के उपासक थे और उसी शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान किया जाता है। और कौन लोग मंच पर बैठे थे पता नहीं, बाला साहब की आत्मा को क्या होता होगा। शक्ति का विनाश करने की सोच, साथियों, मेरे लिए देश की नारी भी इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। इसलिए हमारी सरकार की योजनाओं में सबसे ज्यादा प्राथमिकता नारी शक्ति को दी जाती है। आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने नारी शक्ति पर इतना बल नहीं दिया जितना हमारी सरकार ने दिया।
बसपा सुप्रीमो मायावती नूं आउण वालीआं लोक सभा चोणां 2024 तों पहलां वड्डा झटका लग्गिआ। बसपा संसद संगीता आजाद भाजपा च शामिल हो गई है। बसपा संसद मैंबर संगीता आजाद दे नाल साबका विधायक आजाद अरमर्दन भी भाजपा च शामिल होए ने। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि भाजपा च शामिल हो गई। लोक सभा चोणां तों पहलां पंजाब दी सियासत नाल जुड़ी वड्डी खबर सामने आई है। लंबे समय तों कमेंटरी ते टीवी शोज़ तों दूर रहे नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर क्रिकेट कमेंटरी विच वापसी करन जा रहे ने। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू आईपीएल तों कमेंटरी विच वापस करन जा रहे ने। दस दईए कि ओह कुछ दिन पहलां ही लोक सभा चोणां लड़न तों इनकार कर चुके ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने आप इस गल की पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया राही यह जानकारी साझी की। दरअसल स्पा स्पोर्ट्स के वलों नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक ट्वीट किया गया। इस विच दस्या गया कि नवजोत सिंह सिद्धू 22 मार्च को शाम 6:30 बजे तो आईपीएल कमेंटरी लिए जुड़नगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पोस्ट को रीपोस्ट किया। नेपाल दी संसद दे हेठले सदन प्रतिनिधि सभा दे साबका स्पीकर ते सत्ताधारी पार्टी दे सीनियर मेंबर कृष्ण बहादुर महरा नूं सोना तस्करी दे मामले विच गिरफ्तार किया गया। उन्हां नूं काठमांडू लियांदा गया। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड दी अगवाई वाली नेपाल दी कम्युनिस्ट पार्टी दे उपप्रधान 65 साला महरा नूं कपिल वस्तु जिले दे पकड़ी तों गिरफ्तार किया गया। नेपाल पुलिस ने इस मामले च साबका उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन दे पुत दीपेश पुन नूं 15 मार्च नूं गिरफ्तार किया। दीपेश सत्ताधारी सीपीएन दे विद्यार्थी संगठन दा सकत्रे जबकि मेहरा दे पुत राहुल नूं पिछले साल 30 अगस्त नूं सोना तस्करी च गिरफ्तार किया गया सी। एक रिपोर्ट दे मुताबिक उप प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री रवि इलामिछानी ने सोना तस्करी ते जांच कमिशन दी रिपोर्ट लागू करन दा हुक्म दिता सी ते रिपोर्ट च मेहरा नूं मामले च शामिल मन्या गया। गुरदासपुर के नेड़े पिंड बलगान विखे पिछले दिन एक सड़क हादसे का शिकार हुए फौजी जवान हौलदार हरदीप सिंह का अंतिम संस्कार सरकारी सन्माना नाल कर दिता गया। मृतक जवान दिया दो छोटे छोटे बच्चे ने। मृतक के भरा कुलदीप सिंह ने दसिया कि उसका भरा छुट्टियां मनाने घर आया से श्री आनंदपुर साहब के दर्शन लिए गया होया सी जिथे वह हादसे का शिकार हो गया जिसकी जेरे इलाज मौत हो गई है। मृतक के परिवार ने मांग की है कि मृतक कुलदीप सिंह के परिवार को बनती सरकारी सहायता मुहैया कराई जाए। उथे ही मृतक की यूनिट में काम करते सूबेदार अमरजीत सिंह ने दसिया कि मृतक हरदीप सिंह बहुत ही वधिया सुभा का मालिक सी ते उसकी मौत नाल यूनिट नूं वड्डा घाटा। बहुत वधिया सैनिक ही साडी यूनिट दे ते सारिआं नूं बड़ा गम है। साडी यूनिट नूं साडे सीओ साहब नूं साडे सूबेदार मेजर एस साहब नूं जो भी आ मत मंगी मतलब जो एक्सीडेंट होया सानूं परिवार दे विच साडे नाल ड्यूटी कीती हुई आ उहनां दे नाल बड़ा हसदा खेडदा जो भी अज तक कोई भी चीज़ दी उहनां ने कोई किसे नूं कमी नहीं आन दित्ती। बहुत ही वधिया उहनां ने ड्यूटी कीती आ और उहनां दे परिवार दे नाल साडी यूनिट 67 इंजीनियर हरदम नाल खड़ी रहे। इन्होंने डैथ गए थे आनंदपुर साहब मत्था टेकन तो सुबह के टाइम आते समय स्पीड ब्रेकर ना गाड़ी यानी कि ओवर स्पीड हो गए तो ट्रक के नाल टकरा गई वो करके उन्होंने डैथ हो गई। लोक सभा हलका श्री अमृतसर तो आप दे उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल दे हक विच हलका राजा सांसी दे कस्बा लोपोके दे एक निजी पैलेस विखे विशाल रैली दा आयोजन किया गया जिसकी अगवाई पनग्रेन पंजाब दे चेयरमैन बलदेव सिंह मियादिया ने की। रैली विच हजारां दी गिनती विच आप वर्करां ने भाग लिया। जुड़े कट नूं संबोधन करदिआं धालीवाल ने पंजाब सरकार वल्लों 2 सालां दे कार्यकाल दौरान किए गए कम्मां नूं गिनाया। उन्हां कहा कि आप सरकार वल्लों किए जा रहे लोक भलाई दे कम्मां नूं लैके लोक सभा चोणां नूं लैके लोकां विच भारी उत्साह है। इस मौके पर पनगेन पंजाब के चेयरमैन बलदेव सिंह मियादिया ते जिला देहाती दे जनरल सकत्तर दलजीत सिंह मियादिया ने कहा कि हलका राजा सांसी तो लोक सभा के उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल नूं वड्डी लीड नाल जिता के भेजेंगे। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल।
इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।